नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ आरती। बुलेटिन में सबसे पहले बात रोहतास की। जरा सोचिए, क्या कहिएगा जब कोई न्यूजीलैंड से लाखों डॉलर की नौकरी छोड़ गांव लौट आए और मछली पालन करने लगे और शुरुआती दौर में ही 50-60 लाख रुपए सालाना आय होने लगे। ऐसा ही कर दिखाया है रोहतास के रहने वाले अर्णव वत्स ने। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिखाई दे रहे शख्स रोहतास सोनवर्षा के रहने वाले अर्णव वत्स हैं। वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए न्यूजीलैंड चले गए। फिर 3 साल वहीं नौकरी करने के बाद जब उन्हें अपने गांव घर की याद आने लगी तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गाँव में मछली पालन के व्यवसाय से जुड़ने का इरादा कर लिया। पहले तो घर वालों ने भी अर्णव के फैसले पर नाराजगी जताई। हमारा तो मकसद ये था कि जाकर नौकरी करें, इतना हाई एजुकेशन देने का अर्थ यही है, लेकिन वहाँ पर ये बोले कि नहीं पिताजी, हम कुछ नया चीज़ करना चाहते हैं। तो बोले, हम बोले क्या करना चाहते हो? तो एग्रीकल्चर संबंधित, तो हम बोले कि हमारे पास तो काफ़ी ज़मीन है, आओ तो पोखरा कटवाए। उसके बाद आप देख रहे हैं ये जो लैंड फिलिंग हुई है, ये पोल्ट्री के लिए था बेसिकली, लेकिन इसमें ये लोग ये किए क्या बोलते हैं बायोफ्लैग। आने के बाद तो मतलब कि शुरू में तो लगा कि नहीं कुछ ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाद में आकर के दूसरे आदमी को भी कुछ काम दिया, लेबर लोग काम करता है, अगल बगल के जो बेरोजगार लोग हैं युवक वो भी आकर के ट्रेनिंग देते हैं। अभी हमारे इलाका में बहुत तालाब हो गया देख करके। आगरा ने लगभग 10 एकड़ जमीन में मछली पालन के लिए तालाब खुदवाए, अलग से 15 टैंकों का निर्माण भी कराया, जिससे उन्हें अब सालाना 50-60 लाख की प्रतिवर्ष कमाई हो रही है। अर्णव अपने तालाब का पानी भी यूं ही नहीं बहाते, बल्कि उस पानी से खेतों में सिंचाई की जाती है, जो खेतों में पैदावार बढ़ाने में भी मददगार होता है। न्यूजीलैंड में सैलरी मुझे 1.5 लाख रुपीस मिलता था, रुपीस के टर्म्स में, मतलब मुझे कितना हो गया, 45 का डॉलर रहता है, तो मुझे लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास मंथली मुझे मिलता था, बट वो मेरा इनिशियल फेज था। वहाँ पे लोग कम मार्जिन में काम कर रहे हैं और यहाँ पे आके मैं एक्चुअली आया था पोल्ट्री के लिए, बट पोल्ट्री के लिए मैंने जैसे बताया कि मुझे एक ऊंची ज़मीन की ज़रूरत थी, तो बगल में मैंने तालाब बनवाया तो यहाँ पे एक है वीर बहादुर सिंह सासाराम में, तो बोला उन्होंने कि आप जब तक से पोल्ट्री स्टार्ट करेंगे वाई डेंट यू गो फॉर फिशरीज़, आप फिशरीज़ भी तब तक से उसके साथ ट्राई कीजिए। तो मैं फिशरीज ट्राई किया, तो फर्स्ट ईयर का जो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया था वो काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी बेटर था, मुझे मज़ा आया, मतलब अच्छा लगा। तो फिर मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मैं इसी को आगे परस्यू करता हूँ, और उसी चीज़ को मैंने परस्यू किया। न्यूजीलैंड से आने का रीज़न ये था कि मैं हमेशा से गांव से जुड़ा हुआ था, हमेशा से आना था, पेरेंट्स से लगाव था। अर्णव ने अपनी मेहनत और लगन के बल पर गांव के लोगों को भी स्वरोजगार अपनाने की सीख दी है। आज ग्रामीण भी अर्णव और उनके सफल प्रयास की सराहना करते दिखते हैं। गाँव का लोगों का राय यही है कि नहीं बहुत बढ़िया है, 2-4 लोग और इसके साथ इनके साथ में जुड़ के काम कर रहे हैं, इससे हम देखा है इसके जो काम होता है कि नहीं अगला आदमी ये काम कर रहा था हमको भी करना चाहिए, और उनको भी कोऑपरेट करते हैं साथ में, ऐसा नहीं है कि अपने काम पे ज़्यादा फोकस रखते हैं। अर्णव ने साबित कर दिया है कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो अच्छी खासी लाखों डॉलर की नौकरी छोड़कर भी अपने गांव अपने देश में बहुत कुछ किया जा सकता है, और न सिर्फ अपने लिए अपने साथ साथ और भी लोगों को जोड़कर स्वावलंबन का सपना साकार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज बाय स्कोप।